दोस्तों आपको पहली तीन शॉर्ट फिल्म्स काफ़ी पसंद आई, इसीलिए मैं इसका पार्ट टू लेकर आ रहा हूँ जिसमें तीन और शॉर्ट फिल्म्स हैं और इनकी स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली मूवी का नाम है लंडन डाइस। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक सैम नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने बिस्तर से सोकर उठता है और अपनी टी शर्ट पहनता है। उसके बाद वो ब्रश करने के लिए चला जाता है। आज उसका मूड काफ़ी अच्छा होता है। अब अचानक से उसे एक अजीब तरह की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है कि तभी उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो तुरंत भागकर बाथरूम में अपने आप को लॉक कर लेता है। अब बाथरूम के सारे टैप में से अपने आप पानी आना शुरू हो जाता है। सैम डरकर तुरंत बाहर भागता है कि तभी वो मॉन्स्टर उसे नाइफ से स्टैब कर देता है और जान से मार देता है और सैम को अपने अंदर खींच लेता है। अब स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और हम सैम को फिर से अपने बिस्तर पर देखते हैं। वो फिर से पहले की तरह ही अपनी टी शर्ट पहनता है, लेकिन इस बार वो ब्रश करने के बजाय अपने फ्रिज में देखता है। इसके बाद वो अपनी विंडो से बाहर देखता है एंड वो इमिडिएटली एक बात नोटिस करता है कि बाहर सब कुछ रुका हुआ है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो मॉन्स्टर पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे जान से मार देता है। अब फिर से स्क्रीन ब्लैकआउट होती है और हम सैम को फिर से अपने बिस्तर पर देखते हैं। वो फिर से उसी तरह से कपड़े पहनता है, लेकिन इस बार वो एक्टिविटीज नहीं करता जो वो पहले कर चुका होता है। इस बार वो एक अलग रूम की तरफ जाता है, लेकिन उसमें से फिर से वही मॉन्स्टर बाहर आता है और उसे जलाकर मार देता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर सैम को कई बार मारता है एंड बार बार वो इसी तरह से जिंदा होता रहता है। लेकिन सैम जब भी उठता था, उसे अपनी पहले वाली डेथ्स के बारे में याद रहता था, इसलिए वो हर बार नई एक्टिविटी करके उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करता है। बट वो मॉन्स्टर किसी न किसी तरीके से सैम को हर बार मार देता है। अब करीबन 100 बार सैम की मौत हो चुकी होती है। न टाइम आगे बढ़ रहा था, न ही वो मॉन्स्टर कहीं पर जा रहा था, और अब तक सैम वो हर चीज़ कर चुका था जो वो कर सकता था। लेकिन हर बार उसकी मौत कैसे हुई ये उसे पता था, और क्योंकि उसकी मौत इतनी बार हो चुकी थी तो उसे पता था कि मॉन्स्टर किस जगह से और किस तरीके से उसे मारेगा। और इस बार जब सैम उठता है तो इन सब बातों का ध्यान रखता है। वो बहुत ध्यान से बैठकर सोचता है कि उसने क्या क्या मूवमेंट्स लिए हैं। अब सैम अपने फ्रिज की तरफ जाता है, लेकिन वो उसे खोलता नहीं। वो अपने आप को उसी जगह पर रख कर देखता है कि पहले उसकी मौत कैसे हुई थी। अब वो ठीक उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसने अपने आप को रखकर सोचा था। इस बार सैम पहले से ही तैयार था कि वो मॉन्स्टर उस पर कहाँ से हमला करेगा। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर सैम पर हमला करता है, सैम उससे बचकर वहाँ से भाग जाता है और तुरंत अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेता है। वो अपने आप को फिर से पहले वाली पोजीशन में रख कर देखता है कि पहली बार मॉन्स्टर ने मुझे कैसे मारा था। वो मॉन्स्टर बाथरूम के अंदर आ जाता है एंड सैम चुपचाप टॉयलेट सीट पर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अब वो पहली बार उस मॉन्स्टर पर हमला करता है। सैम बाथरूम का दरवाजा लॉक करके जल्दी से बाहर आता है एंड मेन गेट को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो गेट को खोलता है, तभी एक आदमी जो पूरी तरह से कवर्ड होता है, सैम को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं पर बेहोश कर देता है एंड फिर से वो मॉन्स्टर सैम को आकर मार देता है। इसके बाद हम एक बड़े रूम को देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये 313वां प्रोजेक्ट है। असल में ये एक स्पेस का मॉन्स्टर होता है। ये एंटिटी जब भी किसी को मारती है तो वो टाइम लूप में फंस जाता है, और बाहर जो ये सभी लोग होते हैं, ये इसी एलियन मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि कोई इस आदमी टाइम लूप में रहकर कितनी बार मरते हुए असलियत में मरेगा या हमेशा के लिए वो जिंदा ही रहेगा। और इस बार ये 313 बार ऐसा कर चुके थे, लेकिन फिर भी सैम अभी तक जिंदा था। ये एलियन मॉन्स्टर अपने आप को टाइम लूप में रखकर अपने आप को अनलिमिटेड लाइफ दे सकता था, यानी कि ये मॉन्स्टर अमर था और उसके अमर होने का राज ही साइंटिस्ट पता लगा रहे थे, जिससे कि वो उसके अमर होने के राज को पता लगाकर अपने आप पर यानी कि ह्यूमन पर अप्लाई कर सके। पहली स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ जिसका नाम है सेंटेंट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें तीन लोग होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी। पूरी फैमिली प्रेयर करने के बाद खाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ये सब एनिमल फ्लैश खा रहे होते हैं। बट इनकी बेटी एनिमल फ्लैश को नहीं खा पाती, इसीलिए उसके डैड उसे काफ़ी डांटते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी उम्र में मुर्गियों की गर्दन तोड़कर जिंदा ही खा जाया करता था, और तुमसे पका हुआ फ्लैश भी नहीं खाया जा रहा है। अब उसकी मॉम कहती है कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती मत करो, वो जल्दी ही सीख लेगी। अब उस लड़की की माँ कहती है कि खाना जल्दी से ख़त्म करो, बट फिर भी उसकी बेटी फ्लैश नहीं खा पाती। लेकिन असल में ये लड़की डेविल की सर्वेंट होती है, लेकिन अब तक उसमें कोई भी ऐसी ब्लैक पावर्स एक्टिवेट नहीं हुई थी जिससे वो दूसरों को हार्म कर सके। अब तक वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, बट आज के उस इंसिडेंट से उसके अंदर की ईविल पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। इसके बाद वो तुरंत अपने फ्रिज में जाती है जहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के जानवर के इंटरनल पार्ट्स रखे होते हैं एंड वो बॉडी पार्ट्स अपने वर्क स्टेज में होते हैं, यानी कि वो अब भी काम कर रहे होते हैं।
ये लड़की तुरंत उन्हें खा जाती है। इसके बाद वो अपने मॉम डैड के पास जाती है और उन्हें कुर्सी से बांधकर तरह तरह के टॉर्चर करती है और बाद में जान से मार देती है। यानी कि ये लड़की डेविल की भेजी हुई सर्वेंट होती है और अब तक वो अपने पावर से अनजान थी, बट आज के इस इंसिडेंट से उसके अंदर का शैतान जाग जाता है और वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बुरी तरह से मार देती है। और यहीं पर ये सेकेंड स्टोरी खत्म हो जाती है। अब चलते हैं तीसरी स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है रबर नेक। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रही होती है, एंड जब वो सड़क पर भागती हुई आती है तभी कोई अननोन पावर उसकी एक फ़ोटो लेती है और साथ ही वो अननोन पावर उसे एक ट्रक के आगे धक्का दे देती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम अपार्टमेंट में एक हैरी नाम के आदमी को देखते हैं जो इसी लेडी की अपनी खिड़की से फ़ोटो लेता है, जिसके बाद उसे एक लेडी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो चेक करता है तो उसके सामने वाले रूम के बाहर कोई लेडी बैठी होती है जो रो रही होती है। अब जब वो गेट खोलता है तो वो लेडी उसे कहीं पर भी नहीं दिखती, इसीलिए वो उसे ढूंढता हुआ उसके कमरे के अंदर चला जाता है। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है, इसीलिए हैरी फ्लैशलाइट जलाकर चारों तरफ देखने लगता है और जगह जगह पर फोटोज़ लेता है। और जब वो फोटोज़ ले रहा होता है तो हम उसके पीछे एक गोस्ट को देखते हैं, जिसके बाद वो गोस्ट हैरी की एक फ़ोटो लेता है। हैरी तुरंत डर कर अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो गोस्ट वहाँ पर भी पहुँच जाता है और उसकी एक फ़ोटो लेता है, जिससे हैरी तुरंत पॉजिटिव स्टेट में पहुँच जाता है। आफ्टर दैट हम एक लेडी को और देखते हैं और उसे हैरी की लाश दिखाई देती है, एंड वो भी उसकी फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, असल में ये कर्ज़ होता है, एंड जब भी कोई कर्ज आदमी की फ़ोटो लेता है तो ये कर्ज़ उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है और बस ये कर्ज़ ऐसे ही चलता रहता है। और ये कर्ज़ तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसके लास्ट होस्ट की मरते हुए कोई भी फ़ोटो ना ले, बट ऐसा होना आज की दुनिया में पॉसिबल नहीं है, तो ये कर्ज़ आगे बढ़ता ही रहेगा। और यहीं पर ये तीसरी स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी तीन शॉर्ट मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ऐसी शॉर्ट फिल्म्स काफ़ी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना, वी नीड मोर शॉर्ट फिल्म्स। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी आपके लिए और ऐसी ही शॉर्ट फिल्म्स लाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।